नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा थ्री फेस मोटर होता है, इस मोटर को हम किस प्रकार से सिंगल फेस पावर सप्लाई के द्वारा रन कराएंगे। दोस्तों देखिएगा, यदि आपको थ्री फेस मोटर को सिंगल फेस पावर सप्लाई के द्वारा रन कराना हो तो वहाँ पर आपको एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस कैपेसिटर को मोटर के साथ में कनेक्ट करके थ्री फेस मोटर को सिंगल फेस पावर सप्लाई के द्वारा रन करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में थ्री फेस मोटर है, इस मोटर को हमें सिंगल फेस पावर सप्लाई के द्वारा रन कराना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो मोटर का वाइंडिंग है उसको या तो हम स्टार में कनेक्ट करेंगे या फिर डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, जो हमारा मोटर होता है उसमें तीन वाइंडिंग होता है और तीन वाइंडिंग के टोटल छह टर्मिनल होते हैं, यानी कि छह वायर होता है। अब यहाँ पे जो छह वायर होते हैं उसको लाके हम मोटर के टर्मिनल पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। अब यदि हमें मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करना है तो हम कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, और यदि हमें डेल्टा में कनेक्शन करना है तो हम कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। दोस्तों यदि आपको यहाँ पे स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार कनेक्शन का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एक मोटर है जो कि स्टार में कनेक्ट है, यानी कि कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर के वायर है इसके एक वायर को ले जाके किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद दूसरे वायर को ले जाके दूसरे टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप किसी भी टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपका जो फेस सप्लाई है उसको लाके आपका जो कैपेसिटर है उसके जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि कैपेसिटर के किसी भी एक वायर के साथ में आप फेस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा एक टर्मिनल बच गया है उस टर्मिनल पे आप न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा थ्री फेस का मोटर था उसको हमने सिंगल फेस पावर सप्लाई के द्वारा रन कराने के लिए कनेक्शन कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए कि हम किस प्रकार से मोटर के टर्मिनल पे कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया है इसी तरह से आपको यहाँ पे भी कनेक्शन करना है, बस आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे जो हमारा मोटर का टर्मिनल है स्टार में कनेक्ट है, कैसे हमें मालूम चला? यहां पे देखिए हमारा जो शॉर्ट लिंक है वो तीनों वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट कर रहा है, यानी कि यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है, जिससे हमें ये मालूम चल गया कि जो हमारा मोटर का टर्मिनल है वो स्टार में कनेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपेसिटर है उसका जो वायर होगा उसको ले जाके किन्हीं भी दो टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहां पर हमने टर्मिनल नंबर 1 और 2 में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब जो हमारा फेस सप्लाई है उसको ले जाके जिस टर्मिनल पे हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किए थे उसी के साथ में इस फेस वायर को भी कनेक्ट कर देंगे। आप चाहे तो यहां भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, हमने यहां पे अभी कनेक्शन कर दिए। यहां पे फेस सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको ले जाके तीसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पे जो हमारा कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यदि आप यहां पे सिंगल फेस पावर सप्लाई मोटर को देते हो तो उस कंडीशन में हमारा जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में हमारा मोटर रन करेगा। ठीक है, अब यदि यहां पे आपको मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना है तो उस कंडीशन में आपको डेल्टा में कनेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका मोटर का वाइंडिंग है उसको डेल्टा में कनेक्ट करना पड़ेगा। डेल्टा कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना होगा, जो हमारा कैपेसिटर है कैपेसिटर के दोनों वायर को ले जाके किन्हीं भी दो टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फेस सप्लाई है उसको ले जाके कैपेसिटर के वायर जो है उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि किसी भी एक कैपेसिटर के वायर के साथ में फेस सप्लाई को भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको ले जाके जो हमारा एक टर्मिनल बच गया है उस पर हम न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है इस पर किस प्रकार से कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है इसके दोनों वायर को ले जाके हम किसी भी दो टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फेस सप्लाई है उसको ले जाके हमारे एक कैपेसिटर के वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको ले जाके जो हमारा एक टर्मिनल बच गया था उसके साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर था थ्री फेज वाली उसको हमने सिंगल फेज पावर सप्लाई के साथ रन कराने के लिए कनेक्शन कर दिए हैं। अब यदि आप यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करके मोटर को चालू करते हो तो आपका जो मोटर है वो क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है यदि वो डेल्टा में कनेक्ट है तो उस कंडीशन में आपका मोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, और यदि आपको मोटर को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है तो उस कंडीशन में आपको मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपका मोटर का वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, और यदि मोटर का वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट है तो उस कंडीशन में हमारा मोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। ठीक है,
अब यहां पर हमने ये सीख लिया कि हम किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। अब मेन चीज ये है कि यहां पे जो हम कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए। दोस्तों देखिएगा, जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का वैल्यू मोटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि मोटर का पावर कितना है उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटर को भी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका होस पावर हो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपका होस पावर है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, और जो आपका आंसर आएगा वो आपका कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में 1 होस पावर का मोटर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा यानी कि 50 माइक्रोफेरेड का हमें कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 HP के मोटर के लिए। इसी प्रकार से यदि आपके पास में 2 HP का मोटर है तो उस कंडीशन में आपको 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके पास में एक 5 HP का मोटर है, इस मोटर के लिए आप कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इस्तेमाल करोगे। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो होर्स पावर में एक्सप्लेन किया, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर का वैल्यू है उसको निकालने के मैंने होर्स पावर का फॉर्मूला बताया। अब यदि आपको मोटर का जो पावर है उसका किलोवाट में मालूम है, यानी कि हमें ये मालूम है कि हमारा जो मोटर है वो 1 किलोवाट का है, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से कैपेसिटर को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका किलोवाट है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 माइक्रोफेरेड से। जब आप किलोवाट को 70 माइक्रोफेरेड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो कैपेसिटर का वैल्यू है उसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में 2 किलोवाट का मोटर है, इसको हमें क्या करना है, 70 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140, यानी कि हमें यहाँ पे 140 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे भी आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में 10 किलोवाट का मोटर है, इसके लिए आप कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इस्तेमाल करोगे। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीखने को मिला होगा कि आप किस प्रकार से 3-phase मोटर को सिंगल फेस पावर सप्लाई के द्वारा रन कराओगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।